नहीं नहीं मैं कहाँ अश्लीलता फैला रही हूँ, मुझे क्यों बोल रहे हो आप लोग? कौन सी चक्की काटा खाती है? वो इतने लंबे चौड़े हैं, मेरे को अगर अगर गुस्सा होकर एक थप्पड़ मारेंगे तो कौन चटकन मतलब कौड़ी मिलिया खाऊंगी। अंग प्रदर्शन करना ये क्या है? ये तो साड़ी पहनते तो पेट तो दिखेगा ही। ये लोग अगर बोलेंगे तो मैं टी शर्ट नहीं तो सलवार सूट पहन के डांस करूंगी। छोटा भी कपड़ा पहनिए। नहीं नहीं इतना भी छोटा नहीं पहनूंगी मैं, यहाँ तक पहनती हूँ मैं। वायरल तो अश्लील वाला हुआ है ना? दबो ना हमार करे हैया। हाँ हाँ उसी पे हुई थी। ये क्या है? दबो ना हमार करे हैया, ये असली नहीं है क्या? ये अपने पति से बोल रही है, जब तक मैं नहीं पटूंगी तो कोई कैसे बता लेगा? ऐसा थोड़ी दोनों एक तरफा भी होता है, जाने आगे आपको भी हो जाए। नहीं 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 होगा यार, ऐसा मत बोलिए लो। करिया सरिया में ए राजा हम तब लगेनी। बम लगनी क्या बात बता, करिया सरिया तो करिया रिजर दोनों बजी। बड़ा आदमी बन जाइएगा तो पति को छोड़ दीजिएगा। हाँ छोड़ दूंगी, आप लोग यही सुनना चाहते हो ना, मैं छोड़ दूँ? छोड़ देंगी। हाँ अभी हम बिहार के सिवान जिले में मौजूद हैं और सिवान जिले की रहने वाली नेहा भाभी सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही हैं। वायरल इसलिए हो रही हैं क्योंकि इनके पति बिहार पुलिस में सिपाही के पोस्ट पे हैं और ये सोशल मीडिया पे आकर के डांस करती है, रील्स बनाती है और रातों रात इतना ज़्यादा इनका रील्स वायरल हुआ है कि ये वायरल हो चुकी हैं। अब एक सिपाही की पत्नी डांस करने पर, नाचने पर, सोशल मीडिया पर डांस करने पर क्यों मजबूर हो गई, क्यों सोशल मीडिया पर आकर के ये एक भोजपुरी में कहा जाए तो डांस करने लगी, इन सभी मुद्दों पे नेहा भाभी से बात करेंगे। भाभी जी क्या हाल चाल है? ठीक है। ठीक है जी। ये बताइए कौन सी चक्की का आटा खाती है? चक्की ये मेरी मम्मी पिसवा के भेजती हैं। मम्मी मायके वाली? आपकी सासू माँ नहीं पिसवाती हैं? वो तो बंगाल में है। बंगाल में? अब ये बताइए कि आखिर ऐसा क्या वीडियो में कर देती है कि वीडियो वायरल हो जाता है? डांस ही तो करती हूँ। डांस ही करती है? आपके पति बिहार पुलिस में सिपाही के पोस्ट पे हैं तो आपकी ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी कि आप डांस करने लगी, नाचने लगी, ये सब बुरा नहीं लगता है? नहीं कोई मजबूरी नहीं है, बस अच्छा लगता है डांस करना। ये कौन सा मतलब फैशन है? आप नौकरी कर सकती है, पैसा ही तो कमाना है ना। हाँ तो मैं नौकरी कर सकती हूँ, उसके लिए टाइम चाहिए ना, मेरे बच्चे को देखने के लिए कोई चाहिए ना। हाँ। जी क्यों नहीं कर सकती मैं पहले भी कर चुकी हूँ, मेरे को तो आदत है काम करना। तो फिर वो आदत क्यों छोड़ दिया? शादी हो गया ना, मैं यहाँ पे आ गई शादी करके। तो बहुत सारी ऐसी लड़कियाँ हैं, औरतें हैं जो बच्चों के बाद भी जो है कि नौकरी कर रही है ना। तो नौकरी कर रही है, बच्चा तो देखने वाला तो होना चाहिए। बताइए मैं अपने 2 साल का बच्चा है छोड़ के जाऊंगी, उस वो अभी उतना बोलता भी नहीं है, कौन देखेगा बताओ आप लोग। मतलब बच्चे के साथ साथ चाहती है कि हम कुछ पैसा कमाएं। हाँ कमाएंगे तो कौन सा अपने में रखेंगे, दान पुण्य करेंगे, मतलब डोनेशन करना। हाँ हाँ डोनेशन करना है, ये सब कहने की बात होती है। अरे मैं कर रही हूँ, किसको बुरा लगता है जी? आपको जिसकी कसम खिलाना, मेरे बेटे, मेरे पति, मेरा किसकी भी कसम खिलाना, आप खिला लो। मैं पहले भी डोनेशन कर चुकी हूँ, बच्चे बुजुर्ग जो भी है, जो मांगने वाले होते मेरे पास होता है, मैं दे देती हूँ ताकि वो खुश रहे, हमारे वजह से कोई खुश रहे, हमें अच्छा लगता है। अब ये बताइए कितने दिनों से डांस करती? मैं 1.5 साल हो गया। तो आप औरत है, लड़की तो है नहीं, औरत जी, है जी, जी। तो कुंवारी थी तब तक तो डांस समझ में आता है, शादी के बाद क्यों? कहाँ कर रही हूँ मैं शादी के पहले? शादी के पहले नहीं करती? नहीं करती, मेरे पापा को अच्छे नहीं बोलते, अपने शादी हो जाएगा ना तुम्हारा है? तो अपना डांस करना। तो पति आपके बोलते नहीं है? नहीं वो कुछ नहीं बोलते। ऐसा क्यों, हाथ में पकड़ के रखती है ना? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, मतलब आपके कंट्रोल में? वो इतने लंबे चौड़े हैं, मेरे को अगर अगर गुस्सा होकर एक थप्पड़ मारेंगे तो कौन चटकन मतलब कौड़ी मिलिया खाऊंगी, फिर भी मैं क्यों डरा के रखूंगी उनको, मैं खुद ही डर के रहती हूँ। जो आदमी पूरे बिहार को संभालते हाँ, हैं वो आप उनको कैसे संभालिएगा? और क्या ये बात। अब ये बताइए कि आपको ऐसा नहीं लगता है कि पति बिहार पुलिस में है और उनकी सर नीचे होगा, ये सब डांस करने से अश्लीलता फैला रही? नहीं नहीं मैं कहाँ अश्लीलता फैला रही हूँ, मुझे क्यों बोल रहे हो आप लोग? ठीक है तो डांस करती हूँ मैं, कौन सा अश्लीलता फैला रही हूँ? ये सब नहीं, अंग प्रदर्शन करना ये क्या है? ये तो साड़ी पहनते तो पेट तो दिखेगा ही, ये अंग प्रदर्शन नहीं? नहीं नहीं अंग प्रदर्शन नहीं है, साड़ी पहनते आप लोग बोले, अभी जो भी लड़के लोग आप जैसे वो लोग बोलते हैं आप साड़ी में ही अच्छी लगती हूँ, तो ये लोग अगर बोलेंगे तो मैं टी शर्ट नहीं तो सलवार सूट पहन के डांस करूंगी। मतलब अगर बोलेंगे तो छोटा हाँ, भी कपड़ा पहनिए? नहीं नहीं इतना भी छोटे नहीं पहनूंगी मैं, यहाँ तक पहनती हूँ मैं ठेवना के नीचे तक। तो मतलब अगर मतलब लोगों के ऊपर डिपेंड करता है? हाँ वो लोग बोलेंगे तो मैं पहनूंगी टी शर्ट जीन्स ये सब पहन के बनाऊंगी मैं। आपके पति सपोर्ट करते हैं? सपोर्ट क्या करते हैं, वो अपने काम में बिजी रहते हैं, हमें अपना टाइम मिलता है अपना डांस रील बनाती हूँ बस। कैमरा कौन करता है आपका? कैमरा ये बच्चे है ना छोटे छोटे, इनको 10-5 दे देती हूँ, चीज खाने के लिए खा लेते, मेरा वीडियो बना देते हैं लोग।
तो ये आइडिया कहाँ से है कि नहीं हमको डांस करना चाहिए? ऐसी मस्ती मजाक में बना रही थी मैं, मुझे क्या पता कि मैं वायरल ही हो जाऊंगी। तो ये जो भोजपुरी गाने पे आप डांस करती है, आपको बुरा नहीं लगता? भोजपुरी में बहुत ज्यादा अश्लीलता है। तो मैं हूँ तो बिहार की, तो सुनूंगी तो भोजपुरी ना। मतलब भोजपुरी में और अच्छा अच्छा गाना नहीं है? अच्छे भी है, सब पे बनाती हूँ मैं, थोड़ी कोई एक ही पे बनाती हूँ, सारे गाने पे। वायरल तो अश्लील वाला हुआ है ना, दाबन हमार करी है, हाँ हाँ उसी पे हुई थी। क्या है? अरे तो उसमें क्या है, वो अपने पति से बोली होगी ना, सैया हो सैया। वो गाना कौन सा, थोड़ा सा एक बार गा के सुनाइएगा। उठा के बोल दी, वो गाना आ जाने के लिए बोली। जो गाना आपका वायरल हुआ था पहली बार, जो रील्स बनाई थी, सरिया हो सैया ये सैया दबो न हमार करे हैया, ये शिल्पी राज का गाना था। इसी तो ये असली नहीं है क्या? ये अपने पति से बोल रही है, सैया सैया तो वही है ना, तो अपने पति से बोल रही है। तो ये पर्सनल पब्लिक के बीच में लाना जरूरी है? तो हम ही गए हैं, देख लो ये गलत है। ये तो मैं नहीं, नहीं, उस गाने को आप अपने वीडियो में यूज कर रही हैं और लोगों को बीच में पेश कर रही हैं, तो असली नहीं तो क्या? ये बहुत गाना चला है, बहुत ज्यादा गाना चला है, सारे लोग बनाए थे। ये ट्रेंडिंग में आया था, हम रील बनाने वाले है ना, हम कौन सा वो है, हम रील बनाने वाले, जो ट्रेंडिंग में आता है उस पर हम लोग बनाते हैं। कौन सा हम गा के बना रहे, हम गाएंगे ना ऐसा वाला गाना, तो आप बोलना। तब एक बात बताइए, नेहा भाभी कब से वीडियो बनाती है? डेढ़ साल से। डेढ़ साल जी, डेढ़ साल से इतना दिनों से वीडियो बनाती है। आपके मायके ससुराल के लोग कभी विरोध किए हैं? नहीं, कोई कुछ नहीं बोलता, क्योंकि सब कोई बनाते हैं आजकल। सबको ही बनाता है, इसलिए आप भी बनाती हैं? नहीं, सबको तो पता नहीं, मैं अपना मन करा, मेरे को डांस अच्छा लगता है, मैं बनाने लगी। अच्छा, आपके पति के दोस्त लोग जानते हैं कि आप वीडियो बनाती हैं और आपकी उनकी वो पत्नी हैं आप? वो कोई कुछ नहीं बोलता, वो लोग अपने काम से, उन लोगों का चयन है का, कभी दरोगा साहब इधर भेजते उधर भेजते हैं, इतना चेकिंग चाकिंग करते हैं, ऊपर से इलेक्शन है, इतना टाइम है कहाँ कि कौन क्या बोलेगा हमें, कोई ध्यान नहीं देता, कोई उतना नहीं वो सोचता ना देखता हमें। सोशल मीडिया पे आने का मेन मकसद क्या था, आपका सबसे बड़ा उद्देश्य क्या था? मेरे को तो नहीं पता था कि मैं वायरल हो जाऊंगी, ठीक है, जब मैं हुई तो मैं सोची कि अगर पैसे कमाऊंगी तो जो भी दान पुण्य करना होगा करूंगी, बाद में अपना को देखूंगी। हाँ, क्योंकि खुद का तो मेरा अपना भी घर नहीं है, फिर भी सोचती हूँ कि चलो कोई नहीं, जो भी मांगने वाले हैं तो उन लोगों से तो थोड़ा बेहतर ही है, ठीक है। हम लोग मतलब घर था वो, मतलब ऐसे कुछ हुआ, पता नहीं क्या हुआ, जो भी अब क्या बताऊँ, अपना पर्सनल है, ठीक है इसीलिए। अच्छा, तो एक बात बताइए, पति अच्छा ठीक ठाक कमा लेते हैं, हाँ, परिवार अच्छे से चल सकता है, हाँ, फिर आप जॉब भी कर सकती थी, नहीं की, लेकिन डांस करने लगी आप? नहीं नहीं, मैं देखो वो अपना कमाते हैं, हम अपने दम पे खड़ा होना चाहते हैं जी। अगर मैं बिहार में जो डांस करते हैं उनको मालूम है कहाँ कहाँ जाता है? हाँ, तो वो लोग करते हैं ना, हमको किसी के घर पे जाके थोड़ी चौकी पे नाच कर रहे हैं, वही चीज तो वही है ना। नहीं, नहीं, एक आदमी घर पे जाके करता है और एक आदमी इंटरनेट पे। नहीं नहीं, मैं अपने घर में कर रही हूँ। इंटरनेट पे? हाँ, इंटरनेट पे कर रही हूँ, किसी के घर पे जाके चौकी पे थोड़ी नाच रही हूँ, अपने घर में करती हूँ मैं तो। ज्यादा देखोगे आप लोग, मैं बाहर भी नहीं जाती ज्यादा, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं है। बहुत बुरा लगता है। अरे जाने दो, कोई नहीं है, लोगों का काम ही है, सब कोई तो ऐसा नहीं, हमारे इंस्टाग्राम में सब कोई ऐसा नहीं बोलता है, एक दो बोलेंगे, जो 100-150 कमेंट आते हैं ना उसमें से एक ही दो बोलेंगे, बाकी कोई हमें ऐसा वर्ड जल्दी नहीं बोलता, कोई नहीं बोलता, क्योंकि सबको पता नहीं समझाती है। मैं क्या बोलूं उनको, अब का गाली गलौज करने जाऊं, अच्छा लगे उनको जो अच्छा लगता है वो हमें बोलते हैं, कोई बात नहीं, वो भी बोलते बोलते थक जाएंगे एक दिन, वो भी मेरे बारे में अच्छा लिखने लगेंगे। तो आप चाहती हैं कि आप ये कंटिन्यू बनाती रहें? हाँ, बना तो रही हूँ मैं। आगे का क्या मकसद है, कहाँ जाना है आपको? मुझे नहीं पता मेरे को, मैं कहाँ जाऊँगी। सबसे पहली शुरुआत होती है एल्बम से? हाँ हाँ, तो एल्बम में मिलेगा काम तो करूँगी। एल्बम में जो सिंगर होते हैं ऐसा कहा जाता है कि बहुत कुछ बातें होती है मूवी वगैरह में, सुनी है ना? नहीं पता, हाँ वो सुनी हूँ मैं, बट मुझे नहीं पता मैं कौन सा जाके देखी हूँ मैं, ऐसा कुछ होगा तो मैं बताऊँगी। अगर ऐसा कुछ होता है फ्यूचर में, आप जाती हैं, ऐसा कोई डिमांड कोई बात रखा जाता है तो? कोई नहीं रखेगा, सबको पता है एक बच्चे की माँ हूँ मैं, ऐसा कोई कोई लेना देना नहीं है। क्यों नहीं है, क्यों नहीं है? भाभी लोग ही पसंद आते हैं ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सबको एक जैसा नहीं है, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, उनके भी बच्चे हैं, बीवी बच्चे हैं, तो ऐसा कुछ थोड़ी बोलेंगे। ऐसा कोई डिमांड नहीं, नहीं नहीं, ऐसा कोई नहीं सुंदर जो है इसीलिए कह रहा है, कोई नहीं करेगा, हमें लगता है कोई नहीं करेगा हम पे। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे एक ही बेटा है। लेकिन कोई कहेगा नहीं? हाँ वो नहीं कहेगा, पर मैं बता रही हूँ गाइस, देखिए हमारा एक बेटा है, मैं झूठ क्या बोलूँ, जो है सो मैं तो डालती भी हूँ कि कोई हमको पटाए ना, कोई हमको सीट ना करे। अरे जब तक मैं नहीं पटूंगी तो कोई कैसे पटा लेगा, दोनों एक तरफा भी होता है। नहीं नहीं, एक तरफा क्या करेंगे, वो ऐसे ही हरक ऐसे ही पछताते रहेंगे, देखते रह जाएंगे, अकेला एक तरफा प्यार अच्छा नहीं लगता, दोनों की तरह से होना चाहिए तो अच्छा लगता है। कौन जाने आगे आपको भी हो जाए। नहीं नहीं, नहीं होगा यार, ऐसा मत बोलिए लो,
इतना अच्छा पति मिले हैं, हमें पता है कोई कुछ बोलता होगा फिर भी वो कुछ नहीं बोलते। लव मैरिज है? नहीं, अरेंज मैरिज है। अरेंज जी, अरेंज मैरिज है। अरेंज मैरिज को आप लोग लव में बना दिए, शादी वादी कर लिए सब कुछ, उसके बाद अच्छे से। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, तो इसके बाद से एल्बम में जाना है, फ्यूचर देखा जाएगा। जी देखा जाएगा, एल्बम में करी काम तो पैसे कमाऊंगी तो आप लोगों को बुलाऊंगी उधर। मैं नहीं वीडियो बनाऊंगी, आप ही लोगों को बुलाऊंगी, आप लोग बनाना, क्योंकि मैं डालूंगी ना बना के वीडियो, अगर दान पुण्य करते हुए तो कोई भी मतलब ट्रोल करने लगेंगे कि हाँ दिखावा कर रही है, दिखावा कर रही है। इससे अच्छा है आप ही लोग आना, मैं फ़ोन करूंगी आप लोगों को, अगर मेरे पास पैसे आए मैं दान पुण्य करूंगी तो बुलाऊंगी आप लोगों को। मैं नहीं आना चाहती है ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्सी में। अच्छा, आप एक औरत हैं। जी जी। लड़कियों का डिमांड अब कम हो रहा है, औरत इतना ज़्यादा ट्रेंडिंग में? नहीं नहीं, सब लड़की लोग भी है, हमसे भी आगे है लड़की लोग। मतलब हाँ हाँ, हेलो। अरे आप पे कोई मतलब वो नहीं है ना, आप एक बच्चे की माँ? नहीं नहीं नहीं, देखिए उन लोगों का वो तो अकेली है अपना छुट्टा, जहाँ 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 भी जाना हो अपना डांस करिए, घूम फिर रही है। हम लोग तो बंधे हैं, फिर भी थोड़ा सा टाइम मिलता है अपने घर में मटक लेते हैं। भोजपुरी का आइकन किसको मानते हैं अपना, लगता है कि भोजपुरी में अच्छा सिंगर है, एल्बम है, बढ़िया गाता है? मेरे लिए सब अच्छे हैं, खेसारी लाल, पवन सिंह, नीलकमल सिंह, समर सिंह, प्रमोद प्रेमी, नेहा राज, शिल्पी राज, ये चंदन चंचल, सब अच्छे हैं, क्योंकि उन लोगों के गाने पे सबकी गाने पे ही टू में। बहुत अच्छा पॉजिटिव, कोई अच्छा गाना सुना दीजिए तो, भोजपुरी सुनाइएगा कि हिंदी, वो जो सुनवा लो आप, कोई आपको जो अच्छा लगे वो सुना दीजिए, लेकिन अच्छा गाना, निगेटिव ना हो। मैं नहीं गाती निगेटिव, वो रील आता है, रील का मतलब डांस करती हूँ, इसका मतलब ये नहीं है आप लोग मुझे कुछ बनाओ, ठीक है? हाँ, थोड़ा गाना सुनाइए फिर। अभी सुनो आप लोग, मैं किसी में वैसे थोड़ी गाना गाई हूँ। कोई एक ऐसा गाना सुना दीजिए अच्छा हो। बड़ी हंस रही है जी, क्या बात है? अरे वही सोच रही हूँ, किसी की याद आ रही है ना? नहीं नहीं नहीं, याद का, हमारे बच्चे की याद आ रही है, वो नीचे पता नहीं एक बार दो बार खाया है, उसको फिर खिलाना है, इसीलिए सोच रही हूँ। बच्चे की याद आ रही है ना? आ रही है ना यार, उसको खिलाना है आज, कोई है नहीं दिखाने के लिए। कुछ डिपली नहीं जाएंगे? ना ना ना, डिपली जाएंगे तो ढेर बात निकल। वो अभी अपने पापा के पास है ना, तो चिल्ला भी रहा है कि ऊपर छोड़ दो, मम्मी के पास जाना है मुझे, इसीलिए। ठीक है, कोई गाना सुना दीजिए फिर चले जाइए बच्चे के पास। सुनाती हूँ, रुक जाओ आप लोग। देखिए एक्चुअली भाभी जो है ना, आजकल डिमांड बढ़ता ही जा रहा है, कोई कह नहीं सकता है कि एक बच्चे की माँ है। और पता नहीं आप लोग क्या सोचते हैं, ये चीज़ जरूर बताइएगा। एक गाना इनसे सुनते हैं, उसके बाद से आगे की बात करेंगे हम लोग। भोजपुरी सुनाओ। सुनाइए। एक सेकंड रुक जाओ ना आप लोग, रुक जाओ मैं सुनाती हूँ। कोई दिक्कत नहीं, आपको जो गाना ध्यान नहीं आ रहा उसको ध्यान कर लीजिए। उनके गाने में सुना है, वो सुना दूंगा। हाँ हाँ सुनाइए। कोनो फिल्म में हीरोइन से ना कम लगेनी, कोनो फिल्म में हीरोइन से ना कम लगेनी, करिया सरिया में ए राजा हम तो बम लगेनी। बम लगेनी, क्या बात बता, करिया सरिया तो करिया रिजर दोनों बाजी। भोजपुरी बोलती है ना? हाँ हम बोले नहीं, बिहार की रहने वाली। हाँ बिहार की रहने वाली, सिवान जिला की रहने वाली, दबंग जिला। दबंग जिला। चलिए, तो आपको फ्यूचर में कलाकार बनना है, हीरोइन के पोस्ट पे जाना है, इसके लिए बहुत सारे स्ट्रगल करने पड़ेंगे, तैयार है? करना पड़ेगा। वो आपके पति सपोर्ट करेंगे? हाँ करेंगे। बड़ा आदमी बन जाइएगा तो पति को छोड़ दीजिएगा? हाँ छोड़ दूंगी, आप लोग यही सुनना चाहते हो ना, मैं छोड़ दूँ? छोड़ देंगे। हाँ पक्का? अरे देखिए पलटी मार, आप नहीं, आप लोग बुलवा रहे हो कि छोड़ देंगे, छोड़ देंगे, क्यों छोड़ देंगे? एक बात, वो एक मान लीजिए पुलिस है, आप बन जाइए एक हीरोइन, तो उनकी क्या जरूरत है, वैसा वैसा 10 को पुलिस आपका गार्ड घूमेगा। हे भगवान, वो हमारे पति है, हमारे सुहाग है, हम काहे छोड़े? शिल्पी राज अपन पति को छोड़ दी, पता है ना? नहीं, अरे वो सब फेक वीडियो था, ऐसा थोड़ी है, वो छोड़ी है, क्यों उनके बारे में बोल रहे हो? नहीं नहीं नहीं, अभी उनसे चार बहन बड़ी थी, वो कैसे शादी कर ली है? जो आगे बढ़ता है ना उसको देखना, जो आगे बढ़ेगा उसके बारे में कोई गलत डाल देगा, चाहे गलत कुछ बोल देगा, ठीक है? मतलब कोई कुछ हाँ, भी हो जाए पति को नहीं छोड़ना है? नहीं नहीं, मैं क्यों छोड़ू, इतना अच्छा मेरे पति मिले हैं, इधर सपोर्ट करते हैं मुझे। अच्छा चलिए, तो एक बात बताइए, आप जो वीडियो बनाते हैं किस प्लेटफॉर्म पे जाता, नाम क्या है? प्रेम नेहा गुप्ता 1422। प्रेम नेहा गुप्ता जी, प्रेम आपके पति का नाम है? हाँ मेरे पति का। हिंदू धर्म में पति का नाम लेना पाप है, अपराध है, उम्र कम हो जाती है? नहीं ऐसा कुछ नहीं, मैं तो लेती हूँ उनका नाम, मतलब कभी कहीं जाना हो तो कोई लिखवाता है ना, जैसे हॉस्पिटल जाती हूँ तो किसी पे पापा का नाम लिखवाते हैं लोना, तो मैं तो बोलती हूँ क्या बताओ, अब यहाँ आजकल ये पहले जमाना था नहीं लेता। हाँ अब तो लेते हैं लोग। कहाँ तक पढ़ाई की? आप पूछे हो तो मैं ले रही हूँ, कर रही हूँ मैं।
कर रही हैं? कर ली हूँ मैं, 2013 में फाइनल हो गया, सॉरी 2015 में फाइनल हो गया था। इसके बाद छोड़ दी और उसके बाद मैं जॉब करने लगी थी। जॉब करके छोड़ के फिर उसके बाद सही डांस करने? मैं तो शादी के बाद भी करती, तो मेरे हस्बैंड बोले कि रहने दो जॉब क्या करोगी, रहने दो, तो इसीलिए मैं छोड़ दी। फिर उसके बाद 2-3 महीने बाद मेरा बाबू रह गया, तो प्रेगनेंसी में नहीं उतना कर पाता ना आदमी, इसीलिए। चलिए, तो नेहा भाभी के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं ये जरूर बताइएगा। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये है कि आखिर एक सिपाही की पत्नी, बिहार पुलिस की एक सिपाही की पत्नी डांस कर रही है, कि आप लोगों को ये अच्छा लग रहा है कि नहीं, ये जरूर वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताइएगा, शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।